हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब भाई। आज की वीडियो में कुछ अलग है। अलग है मतलब सच में अलग है, क्योंकि यहाँ पे बीच में लिखा यश के एक्सपेरिमेंट्स। मेन क्या क्या है, हमने ढक्कन लिया, रॉकेट लगाए। कैसे कैसे लगाए पहले वो देखो। तो देखा भाई कैसे लगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनाया हमने, यहाँ पे मैंने ग्लू गन डाल दी बहुत सारी। अब इस रॉकेट में जब आग लगेगी तो इसकी आग से पीछे वाला रॉकेट जलने से रहा, अब ये आग आएगी यहाँ तक। ऊपर जो पटाखा होता है, जो बम लगा होता है, उसमें आग लगती है, उसी आग की जगह हमने यहाँ पे ये दूसरा रॉकेट लगा दिया। तो इसकी फ्लेम से ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये ऐसे ऐसे जलता रहेगा, और लास्ट में जैसे यहाँ पे आई आग वो इसमें जली, और इसकी आग से फिर ये जला, फिर अंदर वाले सर्कल में आग लगेगी। तो सोचा तो ये है, अब ये हकीकत में ऐसा होगा या नहीं होगा तो पता चलेगा करके। तो चलते हैं अब बड़ी वाली हैंडमेड रॉकेट चक्री को चलाने। तो भाई अब लगाते हैं आग। ये देखो अब सेटअप लगा दिया यहाँ पे, अब जलना चाहिए। बस 1 2 3 गो। पूरा जल तो भाई जैसा सोचा था ना वैसा हो नहीं पाया। मतलब इसमें सीरियसली मेहनत लगी थी। एक नया आइडिया सोचा था कि रॉकेट चलेंगे, चक्री जैसे घूमेगा। कोशिश हुई घूमने की भी, मतलब रॉकेट की इतनी ज़्यादा तेज़ फ्लेम थी ना, जो अंदर वाला सर्कल था उसमें आग लगी, और बाकी रॉकेट में भी इधर उधर आग लगी। तो जो सर्कल लगना था वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स होता है वो बैलेंस नहीं हो पाया और वो घूम नहीं पाई। थोड़ी बहुत घूमी पर पूरा चक्री वैसा फील नहीं आया, पर आपको फिर भी एफर्ट अच्छे लगते हैं। वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया तो वीडियो को करना लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी, एफर्ट में मज़ा नहीं आया तो भाई अनलाइक कर देना, उसकी भी कोई बात नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो ग्लू गन लगाई थी ना रोकने के लिए, ये ग्लू गन फ्लेम से आग थी वो पूरी, बहुत तेज गर्मी थी उसमें, वो सारी ये पिघल गई। ये सारी ग्लू गन है ये जो टपकी हुई है, और बाकी रॉकेट छोट छोट के गिर रहे हैं। तो ये हाल हुआ है अपनी चक्री का। बस भाई अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।